और ये सीधे चलते हैं सरगुजा, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। चुनावी सभा में मंच में विराजमान आपके सीतापुर के लोकप्रिय और जुझारू विधायक श्री राम कुमार टुप्पो जी सरगुजा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी सरगुजा संभाग के प्रभारी श्री राजा पांडे जी लुंड्रा के विधायक श्री प्रबोध मीन जी छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व गृह मंत्री श्री रामसेवक पैंकरा जी सरगुजा जिला के सम्माननीय अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह जी मेजर अनिल सिंह जी पूर्व सांसद कमल भान जी भारत सिंह सिसोदिया जी हरपाल सिंह भाभरा जी देवनाथ सिंह जी रामलखन पैंकरा जी विधानसभा के प्रभारी उपेंद्र यादव जी पूर्व जिला महामंत्री राजकुमार अग्रवाल जी विधानसभा सीतापुर के संयोजक श्री रोशन गुप्ता जी अनिल अग्रवाल जी राजाराम भगत जी अनिल सिंह जी प्रभात खलखो जी सरवन दास जी सीतापुर के मंडल अध्यक्ष रजनीश पांडे जी मैनपाट के मंडल अध्यक्ष बतौली के मंडल अध्यक्ष रज्जू राम जी नवानगर के मंडल अध्यक्ष बालनाथ यादव जी सीतापुर के पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी राजकुमार गुप्ता जी और सभी हमारे मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नेतागण महिला नेत्रीगण मैं क्षमा चाहूंगा सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं और आज के ये विशाल चुनावी सभा में उपस्थित हमर सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन देवतुल्य मतदाता भाई बहनी मन और हमर सबो नाचा पार्टी के भाई बहनी मन कर्मा पार्टी के भाई बहनी मन और मीडिया के मित्रगण बहुत देरी से आप सब लोग हैं यहाँ पर और मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप मन के बीच में मोराना हुई से मैं सबसे पहले आप मन के हृदय से अभिनंदन करत हूँ हृदय से स्वागत करत हूँ और आप मन जो स्वागत सत्कार करे हो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आप मन के आभार और आज यहाँ सीतापुर विधानसभा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन मतदाता भाई बहनी मन बैठे हैं आप मन मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँ आप मन के नमन करना चाहूँ कि आप मन 75 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ला यहाँ भारी मत से जिताए भाई राम कुमार टोपोला विधायक बनाए हैं एक बहुत बहुत आप मल्ला धन्यवाद हमर सबो नेता मन भाषण कर चुके हैं सब विषय आज भी जैसे मोला आगे भी कार्यक्रम में जाना है इसलिए मैं तो यही कहे पर खड़ा हुए हूँ कि अभी के जो लोकसभा चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के वास्ते ये चुनाव है आप सब सहमत हैं सब सहमत है ना मोदी जी को तीसरी बार बनाना है प्रधानमंत्री ये माता मन सहमत नहीं है शायद चलिए माता मन भी सहमत है हमारे लिए सौभाग्य बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा एक गरीब के बेटा हमके प्रधानमंत्री के रूप में मिलीन है जो पूरा देश 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते और मन के सुख और दुख के लिए रात और दिन चिंता करते हैं 24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री आज तक एक भी दिन छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री
और 10 साल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए आवास की चिंता करने वाला, गैस के सिलेंडर की चिंता करने वाला, बैंक के खाता की चिंता करने वाला, घर घर बिजली की चिंता करने वाला, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाए की चिंता करने वाला, ऐसा प्रधानमंत्री हमला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और आगे और भी ये देश के आगे बढ़ाना है।